हेलो एवरीवन गुड इवनिंग वेलकम टू इंडिया स्टडीज़ प्लेटफॉर्म हाँ जी कैसे हैं आप सभी और रेडी है आज के सेशन के लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं जो मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है ये होना ही चाहिए ना और सबको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है कमी है मतलब वन वर्ड उतने अच्छे नहीं है आपके और वन वर्ड सब्सिट्यूशन जो है यहां पूछे गए ये मिक्स है शुरुआत में ऐसा लगेगा क्या सेम टू सेम बट द मोमेंट आप थोड़े 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 आगे बढ़ोगे आपको रियलाइज होगा कि यस आई हैव टू डू इट इसमें तो करना है पारंगत होना है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करेंगे आज के सेशन को वेरी इंपॉर्टेंट सेशन जब अच्छा लगे तब लाइक कर लिए पर वो रजिस्ट्रेशन है रजिस्टर है आपका प्रिपरेशन नोटबुक वाला सबके पास है तो भाई वो रजिस्टर जो है वो सामने रखिएगा क्योंकि आएंगे न्यू वर्ड्स आराम से तो आपको वो करने, ही करने. ठीक है चले शुरू करते हैं क्लास को कॉस्ट एन आर्म एंड लेग आज ईरियम में आया ओके अभी तक तो सी जो है वो इजी आ रहा है आराम से करने लायक आ रहा है तो आई डोंट थिंक सो अभी तो कोई दिक्कत हो रही होगी ऐसा नहीं है ठीक है absurd के opposite में ऑर्डिनरी और रियलिस्टिक हो सकता है अगर कोई ऑप्शन ना हो एब्जर्ड है अजीब है है ना अलग है जैसे एब्जर्ड होता है ना डिफरेंट का सुनोनी होता है डिफरेंट अलग है है ना तो आप थोड़े से डिफरेंट लग रहे हो अच्छे लग रहे हो डिफरेंट है, है ना ऐसे करके आप उनके पास जाते हो बाद में तो वियर्ड अजीब हो जाता है ऑर्डिनरी तो सामान्य के लिए आ सकता है गणेश आरिश्योर पीडीएफ नहीं आई है टेलीग्राम पे। हाँ जी सुखविंदर वेरी गुड गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कैसे हैं सभी लोग बताएं क्विकली चलिए शुरू करें आइए तो सबसे पहले शुरू करें आज का पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है अब हम्म दोनों में से एक चूज करना है कौन से दो वापस लिखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है और अथिंग फिट ईट विदाउट वेस्टिंग टाइम जो चीज खाने योग्य हो वो कैसी होती है खाने योग्य है डाइजेस्टिबल नो 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 डाइजेस्टिबल डाइजेस्ट करने के लिए योग्य है ना इट्स एडेबल खाने योग्य है एडेबल और वैसे अगर आप योग्य हैं तो आप एबल हो जाते हो और अगर कोई डिजीज है जो ठीक हो सकती है उसे क्योरेबल बोला जाता है तो पहला आएगा सबका सही होगा फटाफट पढ़ से एक रजिस्टर रखना है अगर सामने उसमें एक डॉट लगाते जाइए गलत हो ना तो डॉट लगाओ नहीं हो तो बढ़ते जाओ ताकि पता चलता जाएगा ये आपने कितना गलत करा है ठीक है या कितना सही है और स्माइल करते रहिए मुस्कुराते रहिए इंडिया स्टडीज में भाई जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर अ पर्सन हु बिलीव्स लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी ये सरकार ये रूल्स ये लॉज ये, ये कानून मेरे लिए नहीं है ऐसा सोच रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है अनाकिस्ट एडवर्सरी एंटी क्राइस्ट एंटी क्राइस्ट है जो क्राइस्ट के अगेंस्ट हो ना जो गॉड होते हैं उनके अगेंस्ट हो एंटागोनिस्ट कौन होगा कौन हो कौन होगा एंटागोनिस्ट होता है विलन. है विलन ना क्रिमिनल छोटे मोटे क्राइम कर लेगा उसमें खुश है बंदा है ना छोटे मोटे कभी हाथ लगा तो बड़े भी कर लिए उसने बड़ा हाथ मार लिया वो खुश एंटी क्राइस्ट जो ईश्वर के ऑपोजिट हो एडवर्सरी आपका अपोनेंट होता है विरोधी होता है जो आप कहोगे वो वो नहीं करेगा आप दिन कहोगे वो रात कहेगा ठीक है विरोधी होता है अनाकिस्ट अराजकतावादी हिंदी में इसका वर्ड होता है अराजकतावादी कौन जो दंगे फैला देगा गाड़ियों में भी आग लग रही कहाँ कहाँ नू में कल हुआ हरियाणा में कल परसों उससे पहले आप देख ही रहे हो मणिपुर में जो दंगे फैलाने वाले लोग होते हैं वो अनार्किस्ट होते हैं ठीक है टाइम नौ बजे ठीक है सो द राइट आंसर इज दिस अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री गलत हो तो, तो डॉट जरूर लगाना ताकि आपको ये पता रहे एट द एंड आपने कितने सही करें ऑर्डिनरी फिर ऑर्डिनरी होगा रियलिस्टिक नहीं होगा दोनों में से चुनना तो रियलिस्टिक तो सच्चा ये झूठा थोड़ी ना है एब्जर्ड ठीक है हाँ प्लेस वो जगह जहां पर कॉइन्स यानी सिक्के मेडल्स टोकन्स बनते हैं। उस जगह को कहा, क्या कहा जाता है हैंगर इसमें तो वायुयान को रखा जाता है वेयर एयरक्राफ्ट आर कैप्ट जहां पर एयरक्राफ्ट को रखा जाता है है ना जहां पर वायुयान को रखा जाता है एयरक्राफ्ट को रखा जाता है, मिंट को टक्साल कहते हैं ठीक है ठेके? तो टक्साल में क्या होता है ये वगैरह टक्साल में ही बनते हैं मोनास्ट्री मठ जहां पर रहते हैं उनको कहा जाता है ठीक है और हच हच क्या होता है हच होता है पिंजरा ठीक है एक और वर्ड हच के लिए कूप जो हम बना देते हैं ना पिंजरा उसके लिए वो होता है हच जो हम बना देते हैं उसको कहा जाता है हाँ तो राइट आंसर right अगला क्वेश्चन नहीं नहीं कोई डिलीट नहीं होती क्लासेस क्वेश्चन like कर देना जब आपको अच्छा लगे तब जो अबेंडन कर देता है रिलीजन को रिलीजन त्याग देता है अपना धर्म त्याग देता है इगोटिस्ट प्रीस्ट अथी या apostate, क्या होगा बताए अपोस्टेट इगोटिस्ट कौन होता है वन हु टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ अपने खुद की तारीफे करता रहेगाजारी तो होता ही हैजेंट बिलीव इन गॉड ठीक है और अपोस्टेड का वर्ड फिजिटिव भी होता है याद रखिएगा अपोस्टिव क्या होता है फ्यूजिटिव होता है जो भाग जाता है लॉ से उसको अपोस्टेड बोला जाता है जो ट्रेटर होता है जो रन अवे कर लेता है बताइए तो क्या होगा धोखेबाज है ये ट्रेटर वन रन अवे रन अवे एक वर्ड होता है इसके लिए क्या होगा ये तो धोखेबाज है रेनीगेट है एक वर्ड और होता है इसके लिए अपोस्टेड के लिए रेनीगेट है ठीक है ये भाग जाता है तो क्या बोलेंगे जो विश्वास नहीं रखता ईश्वर में वो होगा वो होगा एक बंदा था बहुत पूजा करता था बाद में उसको ईश्वर से लड़ाई हो गई उसके घर में कुछ ऐसा हो गया मिस हैप कि उसकी ईश्वर से लड़ाई हो गई वो क्या बन गया अपोस्टेट बन गया या बन गया उसने रिलीजन छोड़ दिया विजय माल्या हाँ विजय माल्या फ्यूजटिव है अगर तो विजय माल्या अगर फ्यूजटिव है तो हम उसको अपोस्टेट भी कहेंगे क्या ये ये भी कहेंगे ये भी कहेंगे क्या पता है आंसर सोच के बता देना थोड़ी देर बाद मैं पूछ रही हूं वो व्यक्ति जिसने धर्म को त्याग दिया है अब मेरे को मानना ही नहीं है भगवान को मेरे को मंदिर जाना ही नहीं है वो क्या कहलाएगा अथईस्ट या अपोस्टेड बताएंगे आप ही लोग बताएंगे आंसर ठीक है आइए आगे, आगे चलते हैं एक पर्सन जो हेट करता है नफरत करता है अवॉइड भी करता है दूसरे लोगों को जिसको दूसरे लोग पसंद ही नहीं है ये दुनिया वाले मुझे अच्छे नहीं लगते एक कमरे में बंद रह लू वो ज्यादा अच्छा है उसको दुनिया पसंद नहीं <coughs> कौन है कौन कहलाएगा हर्मिट सेज साधु ठीक है परवर्ट ये नया वर्ड हो सकता है मिस एंथ्रोप एंथ्रोप क्या होता है पीपल ह्यूमन बींग्स है ना जो पीपल से मिस करता है, मिस हिंदी में हम लोग एम आई डबल एस बहुत अच्छा लगता है ठीक है मिस एन्थ्रोप और मिस करना यानी हेट करना हो गया तो ये तो हेट करने वाला यही पूछा गया तो वन हु हेट्स ये हो जाएगा अब दो वर्ड है एक मेसोजिस्ट और एक परवर्ट एक वर्ड समझिएगा सैडिस्ट देखो कुछ लोग सैडिस्ट होते हैं बेटा सैडिस्ट कौन होते हैं जो दूसरों को दुख दुख देकर है ना दूसरों को दुख देकर खुश होने वाले ना दूसरों को दुख देकर मार कर पीट कर प्रताड़ित करके पीड़ित करके खुश होने वाला ये सैडिस्ट होता है ठीक है और सैडिस्ट का एंटोनिम होता है मैसोचिस्ट ये वर्ड मैं क्यों बता रही हूं क्योंकि ये आता है वन वर्ड में और हम भूल जाते हैं एंटेमिस का मैसोचिस्ट होता है क्या होता है मैसोजिस्ट जो दुख से प्रताड़ना से है ना खुद पर खुद पर खुद पर कोई दुख करे उसको कोई मार रहा है पिट रहा है ना आई लाइक इट याद आता है कोई कैरेक्टर जिसको कोई मार रहा है वो बोलता है आई लाइक इट वो व्यक्ति क्या कहलाता है मैसोचिस्ट कहलाता है जो खुद पर दुख से प्रताड़ना से खुश होता है ठीक है उसको दुख कर रहे हैं उसको लोग मार रहे हैं पीट रहे हैं ही सेज आई लाइक इट अच्छा लग रहा है मजा आ रहा है और मारो वो कौन कौन होगा मैसोचिस्ट और एक बंदा दूर से देख रहा है कि यार गजब मार रहे है इसको है ना और मारो इसको मुझे मजा आ रहा है तो वो बंदा क्या हो जाएगा सैडिस्ट समझ में आया वट इज द डिफरेंस बिटवीन मैसोचिस्ट एंड सैडेस्ट जो दूसरों को दुख देके खुश हो वो सैडेस्ट जो अपने आप पे दुख लेके मार के पीट के पीट वो दुखी खुश हो वो ठीक है ध्यान रखिएगा दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हाँ ये रह गया परवर्ट परवर्ट क्या होता है परवर्ट कर देना किसी चीज को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर देना बदल देना चेंज कर देना या रिप्रेजेंट करना ठीक बदल कर दिखाना होता है ना बताओ ठीक है ये ध्यान रखेंगे और आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव दैट गॉड और गॉड्स ईश्वर या बहुत सारे ईश्वर एग्जिस्ट करते हैं वो व्यक्ति जिसको लगता ही नहीं कि भगवान है वो व्यक्ति जो लगता ही नहीं है कि भगवान है हाँ गुमराह कर देना चीजों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना परवर्ट कहलाता है चीजों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना नेक्स्ट हाँ अर्थ हो जाएगा ईश्वर को ना मानने अरे एक मिनट एक मिनट क्या बोला गया है ईश्वर को जो मानता नहीं कि ईश्वर होते हैं अर्थ ईस्ट ब्लास्ट फेमस और प्रोफेन ये सब क्या होता है ईश्निंदा ईश निंदा करने वाला मंदिर में मस्जिद में कहीं पे भी जाके भगवान की चीजों के साथ गलत कहना गलत करना चीजें उठा के फेंक देना ब्लेस फैमी प्रोफेनिटी उसको बोला जाता है अब यहां पे क्या है इरेवरेंट डिसरिस्पेक्टफुल इेवरेंट कौन होता है डिसरिस्पेक्टफुल होता है भी दोबारा से देखा लाइक नहीं करा है, तो लाइक कर देना भाई ठीक है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड जो शुरू में लगेगा एक जैसे आ रहे हैं पर बाद में बड़ा मजा आएगा अर सेटअप बुक्स गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल एरिया ऑफ नॉलेज वो किताब जो हर तरह का ज्ञान दे दे समझ लो है ना क्या बोल रहे हर तरीके का ज्ञान चाहिए क्या पढ़ना चाहिए एनसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी में इंग्लिश मिलेगी एंथोलॉजी में कलेक्शन ऑफ पोएम्स या ये मिलेगा वॉल्यूम वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू ऐसे आता रहता है एक के बाद एक ठीक है बट एनसाइक्लोपीडिया जो सबका ज्ञान दे दे अगला ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन के लिए जश्न के लिए पटाखे चलाना ह्यूज फायर करना क्या कहेंगे उसको फायर फाइट फायर पावर फेस्टिविटी या बोन फायर फायर फाइट क्या होता है जब है ना लगातार शूट होता है शूट गन शॉट जो होता है ना लगातार गोलियों की फायरिंग हो रही है फायरिंग इसको कह सकते हैं फायर फाइट फायरिंग हो रही है है right? ना आजकल न्यूज मूवीज में देखने की जरूरत है न्यूज में हमें पता चल जाता है जनरली जाते हैं फायरिंग हो रही है तो दैट इज शॉट गोलियां चलना फायर पावर फेस्टिविटी।, फेस्टिविटी आता है सेलिब्रेशन जश्न मनाना तो इसे फेस्टिविटी कहेंगे बोन फायर कहेंगे क्या बोन फायर कह सकते हैं बोन फायर करके क्या करते हैं जश्न मनाते हैं और ये फायर पावर क्या होता है हम्म, फायर पावर क्या होता है आर्म्स वेपन्स हथियार को कहा जाता है फायर पावर है यानी खूब हथियार है इसके पास भर भर के कहा मिलेगा हमारे नेबरिंग कंट्रीज में बहुत मिलते हैं फायर पावर ठीक है नेक्स्ट वन अ प्लेस टू प्ले गेम्स एंड बेट ऑन देम खेलने की जगह बैट करने की जगह चैलेंज लगाने की जगह क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है कसिनो मोटेल, पब या होटल होटल जानते हो पब भी जानते होंगे है ना पब नाइट लाइफ के लिए रात ला, में जाके एंजॉय वगैरह करना पब मोटेल होटल प्लस मोटर यानी होटल भी देते हैं व्हीकल भी देते हैं ना, बहुत सारे ऐसे हिल स्टेशन पे जाओगे वो लोग बाइक्स भी दे देते तो, मोटैल हो जाता है कार्स भी दे देते तो, उसको बोला जाता है ठीक है मोटैल बोला जाता है हा कसीनो इज द राइट जुआ खेलने की जगह नेक्स्ट कसिनो इज द राइट आंसर इेवरेंट यानी डिसरेस्पेक्टफुल अभी आया था असमान बिहेवियर टुवर्ड्स एनीथिंग सेक्रेट किसी भी पवित्र पायस जगह का इरेवरेंट वर्ड आ चुका है ठीक है किसी भी पायस जगह का इरेवरेंट करना डिसरिस्पेक्ट करना पवित्र जगह का मंदिर हो मस्जिद हो गुरुद्वारा किसी भी अच्छी जगह का जाके डिसरिस्पेक्ट करना क्या बोलेंगे उसको थीइजम ये तो ईश्वरवादी होता है ईश्वर को फॉलो करने वाले ब्लास्फेमी हो जाएगा पैन पूरे वर्ल्ड में एक ही भगवान पूरे वर्ल्ड में भगवान हर जगह भगवान मानने वाला वो कहलाता है एग्नोटिज्म अभी आता है एग्नोस्टिक जो किसी भी चीज में भरोसा नहीं करता है जो किसी भी चीज में भरोसा नहीं करता है एग्नोस्टिक होता है हर चीज उसको लगता है कुछ तो गड़बड़ है है ना शक करने वाला वो तो ये नेक्स्ट ओनली द आर्टिस्ट हु मेक स्कल्पचर्स वो आर्टिस्ट जो स्कल्पचर्स बनाते हैं क्या कहलाते हैं अरे सॉरी साफ साफ हो गया आई एम सो सॉरी मैं नहीं बताना चाहती थी बट आप तो वैसे ही इंटेलिजेंट हो सबको आता है है ना? आता है ना सबको आता शिल्पकार मूर्तिकार होते हैं होते हैं ये और पेंटर पेंटिंग करने वाले पॉटर पॉट्स बनाने वाले है ना मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं उनको कहा जाता है और आर्टिस्ट होते हैं ये आर्टिस्ट ये क्या होते हैं शिल्पकार क्राफ्ट्समैन अच्छी सी आर्टिस्टिक चीजें बनाने क्राफ्ट्स आई एम सॉरी क्राफ्ट्समैन ठीक है सो द राइट आंसर इज वन अगला वाला सर्टन टू होगा तुम चाहे जो कर लो होके okay रहेगा तो अगर ऐसी चीज है तो वो क्या हो जाएगी जो होके ही रहने वाली है क्या हो जाएगी जस्टिफाइबल जस्टिफाइबल न्यायिक होता है एकदम सही है फेयर है है, फेयर है सही है करेक्ट right है राइट है जिसके बिना रहा ना जा सके ये वर्ड याद कर लो बोलना है काम आएगा चार पांच लोगों को बोल देते होगे अगले वीक में जिसके बिना रहा ना जा सके ठीक है यू आर इंडिसबल फॉर मी यू आर इंडिस्पेंसिबल फॉर मी हम्म कोई भी एग्जाम दे रहे हो हंड्रेड परसेंट हेल्पफुल है मेरे वीडियोस मैं नाइनटी नाइन भी नहीं बोल रही हूँ कन्वर्टेबल जिसको बदला जा सके तो क्या होगा एविटेबल क्या बोलते हैं जा सके इन एविटेबल ठीक है अगला वाला एनी फीमेल एनिमल कोई भी फीमेल एनिमल हो जो फीड करवाती है अपने यंग वंस को है ना अपने यंग वंश को मिल्क फीड करवाती है क्या बोला जाता है इसको वर्टिब्रेट फोना पैरासाइट मैमल कौन सा वर्ड नहीं आता फटाफट से बताइए जल्दी बताओ आंसर्स लेट आ रहे हैं आंसर्स जल्दी आने चाहिए स्पीडी यस yes. मैमल स्तनधारी हिंदी में बोला जाता है ना वो एनिमल्स जो फीड कराते हैं अपने यंग वंस को मैमल्स कहलाते हैं पैरासाइट जो दूसरे पे डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए फोना एंड फ्लोरा सारे जो पेड़ होते हैं वो एनिमल्स होते हैं उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो फोना वर्टिब्रेट जिसके एक ही क्या बोलते हैं एक कोशिक वर्टिब्रेड किसको बोलते हैं एक वर्टिब्रेट होते हैं और एक इनवर्टिब्रेट होते हैं है ना जिनमें बैक बोन होती है वो वर्टिवरेट राइट राइट, राइट।, राइट। वर्टिवरेट नहीं होगा इसका नेक्स्ट वन अब बताइए कौन सा वर्ड नहीं आता है एम्बिगिटी अस्पष्टता देखो अभी बड़ा चलन में है ये पर ये खुद नहीं आता है इसके भाई बंधु आते हैं कौन आते हैं इसके भाई बंधु ऑक्ल्यूड नोट करना ऑक्ल्यूड है ना एम्बिगियस होता है एक्चुअली एम्बिगियस एडजेक्टिव है ना इसके वर्ड्स आ रहे हैं यानी अस्पष्ट अक्ल्यूड आ जाता है ठीक है ओपेक आ जाता है अकल्ट आ जाता है ठीक है और क्या आ रहा है अभी इन दिनों, एमोफस, नोट करिएगा ये वर्ड भूलना नहीं है एमोफिस और क्रिप्टिक एनेगमैटिक ये थोड़ा पुराना हो गया क्रिप्टिक है एनिगमैटिक है अनक्लियर है ये सारे ये सारे तो आते ही रहते हैं एनोलॉजी क्या लिखा हुआ सिमिलैरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स एक जैसी चीजों के बीच में सिमिलैरिटी कंपेरिजन किया जा सके ठीक है कंपेरिजन जिसमें किया जा सके तो ये होता है ठीक है कंपेरिजन किया जा सके एक जैसी चीजों में होता है ना अंतर पहचानिए फाइव एक जैसी चीजें अंतर पहचानिए एनॉलॉजी ठीक है यहाँ पर amalgamation मिक्सचर अमेलगमेशन मिक्सचर एक जैसी चीज मतलब मिक्स करना अमेलगमेट करना मिक्स करना इनडिफरेंट no feeling. No feeling. होते, होते उनको बोला जाता है राइट right? चलिए अगला जिसने लाइक नहीं करा अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा पर वो जो वर्ड एकदम अलग हो जो आपने अभी नहीं सुना होगा आंसर आपका आना चाहिए नोट कर लीजिएगा उसको हुं? ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टूगेदर इन अ वैन वैन में टूगेदर ट्रेवल करने वाले लोगों के समूह को क्या कहा जाता है एक साथ घूम रहे हैं एक साथ घूम रहे हैं क्या बोला जाता है कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स है ना तारामंडल ब्रूड यंग वंस ऑफ बर्ड यंग बर्ड्स बोलते हैं ना हाँ यंग बर्ड्स बच्चे जो होते हैं ना चिड़िया के उनको ब्रूड कहा जाता है एक साथ जो ब्रीड हो जाते हैं उनको कहा जाता है जिप्सीज़ कौन होते हैं बेटा वॉन्डर होमलेस जिनके पास अपना घर नहीं होता है ठीक है कैरवन इज द राइट आंसर कैरवन एक साथ घूम लेते हैं गाड़ियों में नेक्स्ट द मनी पेड टू फॉर्मर वाइफ फॉर्मर पुरानी पहले वाली समझ रहे हो आप पहले वाली कुछ लोग इसी से डर जाएंगे इसकी पहले वाली और अभी वाली दो दो हैं बताओ हमारी अभी वाली एक ही नहीं है पहले वाली पत्नी को आगे हस्बैंड भी लिखा पति को क्योंकि आजकल हस्बैंड या वाइफ दोनों को एली मनी देना पड़ता है जो ज्यादा कमाता है ठीक है तो फॉर्मर वाइफ या हस्बैंड को जो पैसा दिया जाता है जब उनका मैरिज शून्य होता है विवाह जब शून्य होता है तो जो पैसा दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है आंसर मुझे पेकाशू का भी दिखाई दे रहा है और अंकित का भी दिखाई दे रहा है बाकी से। इंडिया का आज है इंडिया के आप एलिमनी रिकम्पन रिकम्पनसेशन क्या होता है यही होता है मेंटेनेंस नहीं एलिमनी 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 द राइट राइट टर्म टर्म इज इज पति द्वारा पत्नी को और पत्नी द्वारा पति को भी जो ज्यादा कमा रहा है वो दूसरे का भरण पोषण करेगा ठीक है अलीमनी नाइट आंसर नेक्स्ट वन अ पर्सन हु कंपाइल्स मुस्कुराना बनता है कि नहीं बनता है, हाँ? वो जो के बनाता है एक एक नए वर्ड डालता जाता है और आपकी जान को जोखिम खड़ा करता रहता है क्या बोलोगे उस व्यक्ति को बिब्लियोफिल बोलोगे आइकनोक्लास्ट बोलोगे प्लेगियारिस्ट बोलोगे या लेक्सिकोग्राफर बोलोगे ये जो डेटा जो अरे जो डेटा चोरी कर लेता है रिटर्न डेटा चोरी कर लेता फाइल की फाइल लिटरेचर की चोरी करता है ठीक है प्लेगरिस्ट चोरी कर लेता है आर्टिकल फाइल जो मिल गया वो चोरा लेगा ठीक है आइकोनोक्लास्ट मूर्ति को भंजन करने वाला है ना मूर्ति को जलाने वाला या आइकोनोक्लास्ट क्या होता है जो ट्रेडिशन चले आ रहा है जो चले आ रहा है उसको नहीं मानेगा अपनी चलाने वाला कन्वेंशनलिस्ट नहीं है नॉन कन्वेंशनलिस्ट है ना नॉन कन्फॉर्मिस्ट है राइट बिब्लियोफिल नहीं 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 ये ये होगा क्या बोलोगे जो नए नए वर्ड्स करता है और आपके सर में दर्द देता रहता है उसे अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पर बहुत रिस्पेक्ट से लेक्सीफर कहते हैं ठीक है क्या हुआ भाई अनिल अगला वाला अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीरीज ऑफ रियल और फिक्शनल इवेंट्स इवेंट्स का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन टेकिंग प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत लंबा देखो क्या लिखा हुआ इवेंट्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन और ऑफ अ सीरीज और रियल चाहे वो रियल हो चाहे फिक्शनल हो ठीक है तो पूरी कहानी पूरी कहानी उसे क्या कहेंगे पूरी कहानी किसी भी चीज की तो क्या होगा विटनेस गवाही जर्नल जर्नल क्या होती है मैगजीन वगैरह को कहा जाता है केस स्टडी तो यार कोई केस हो गया उसकी स्टडी इसमें क्या फिक्शन नॉन फिक्शन नहीं होगा ये सब माया है सागा क्या होता है नरेशन स्टोरी फिक्शन सो डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट सागा अगला वाला सेंटीमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट क्या दिन थे वो राइट पुरानी याद सोचते होंगे ना अभी क्या मजे थे ना पढ़ने की टेंशन ना जॉब की टेंशन सब मिल भी जाते थे ना शादी की टेंशन किसी भी चीज की टेंशन नहीं थी द मोमेंट आप बड़े हुए हो परेशान करते रहते लोग नहीं तो कैसा क्या लग, कौन सी फीलिंग होती है वो सेंटिमेंटल इज इमोशनल इमोशनल फीलिंग ऑफ पास्ट इसको नुस्टाल Mania तो पागलपन होता है भाई मैनिया इज पागलपन ये नहीं होगा हिस्टेरिया Hysteria... मैडनेस होता है एक बेटा oh, हिस्टोरिकल समझ रही थीरिया हिस्टेरिया इज अ डिजीज ठीक है जिसमें ना ऐसा लगता है मतलब बच्चे बच्चे होते हैं ना बच्चे अट्रैक्शन खींचने के लिए लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ अलग अलग अजीब सी आवाजें निकालना अजीब अजीब सी हरकतें करना ऐसा लग रहा है बेहोश हो रहे हैं लोगों को लग रहा है इन पे भूत आ गया इनका झाड़ा लगवाओ इनको मंदिर ले जाओ इनको पैदल चलवाओ ये सब हिस्टीरिया है अपने आप को अटेंशन इतना ग्रैप करने के लिए इतने पागल हो जाते हैं लोग कि ऐसा लगता है उनको बीमार है वो और फिर अजीब अजीब सी हरकते करने थे। कॉल हिस्टीरिया है ना और इफोरिया बहुत अच्छी ब्लिस वाली जगह हैप्पीनेस ब्लिस हैप्पीनेस खुशी तो राइट आंसर लगा दिया है कि भाई सबने नोस्टैल्जिया इज द राइट आंसर सबका सही होगा yeah. सही हुआ है हार्ट शेयर करो हार्ट शेयर करो हिस्टेरिया काला जादू नहीं 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 काला जादू तो बाद में आता है भाई इसको झड़वाओ इसको मंदिर में जाके झाड़ा लगवाओ इसको मंदिर की सीढ़ियों पे पैदल चलाओ धूप में 400 सीढ़ियों पर इसको सुबह चार बजे उठा के पानी में ठंडे पानी से निलाओ सर्दियों में तब जाके इसका उतर जाएगा ऐसे पढ़ते हैं ना अपन न्यूज़ में वो होता है नेक्स्ट अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टूगेदर फिश जो होती है उनकी जो ग्रुप होता है उसे क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है एक होता है शोल और एक होता है स्कूल तो यहां पर तो शोल है स्कूल भी होता है स्ट्रिंग रस्सी को कहा जाता है अब एक शीफ है और एक स्ट्रीम है कौन सा नहीं आता इन दोनों में से बताएं जल्दी से शीफ क्या होता है शीफ बंडल ठीक है स्टॉक पाइल इसको कह देंगे ठीक है और स्ट्रीम धारा होती है नदी की धारा प्रवाह जो भी आप बोलो उसको बोला जाता है नेक्स्ट वन अ सीक्रेट प्लान मेक टू डू समथिंग यूजुअली रॉन्ग एक सीक्रेट प्लान बना छुप के चोरी से बनाया गया और कुछ खराब अच्छा करने के लिए ना सबको पता चलेगा तो दिक्कत होगी इसे चुपचाप से कुछ गलत काम करने के उद्देश्य से सीक्रेट प्लान बनाया स्ट्रैटेजी प्लानिंग कंडीशनिंग स्ट्रैटेजी प्लानिंग क्या होती है कुछ भी अच्छा करना हो तो सबसे पहले योजना बनाई जाती है है ना क्या योजना रहेगी क्या रणनीति रहेगी आपकी क्या करना चाहते हो आप है ना कैसे करना चाहते हो दिस इज दैट और चाल चलते उसको क्या कहते हैं षड्यंत्र शकुनी मामा क्या करते हैं चाल चलते हैं कॉन्सिपेसी प्लॉट एक और वर्ड होता है इसका प्लॉट चाल चलना नेक्स्ट वन भाई आंसर्स की स्पीड बहुत स्लो आ रही है स्लो दे रहे हो आंसर्स क्यों नेक्स्ट वन अ पर्सन हु गिव्स हेल्प एंड सिंपथी टू पीपल हु मदद करता है सिंपथी देता है अच्छा फीलिंग रखता है दूसरों के लिए उसको क्या बोला जाता है प्रीचर 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 क्या कहते हैं preacher. Preacher कौन होता है? ज्ञान देने वाला प्रवचन देने वाला जो हमारे इंडिया में एक किलोमीटर में भी पाँच छे मिल जाते हैं है ना हर दस कदम की दूरी पर इंडिया में वैसे प्रीचर होते हैं ज्ञानी ज्ञान देने वाले राइट सिमैरटन होता है जो मदद करता है एक्चुअली मसीहा टन इज मसीहा हम किसको जानते हैं लेटेस्ट मसीहा के नाम से पार्डनर जो माफ कर दे और मोरलिस्ट नैतिक चीजों को फॉलो करने वाला अगर सही हुआ है तो भाई हार्ट बनते हैं स्माइल बनती है आप लोगों की अल्ट्रोइस्ट फिलान कम्पैशनेट वही लोग जेनरस हम्म अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर क्या है टू पुट ऑफ पुट ऑफ डूइंग समथिंग किसी चीज को करना पुट ऑफ कर देना क्या होता है पुट ऑफ करना या तो डिले करना या लिंगर ऑन करना या पोस्टपोन चल छोड़ो यार आज बहुत ठंड है कल से पढ़ेंगे एक जनवरी को रिजोल्यूशन लेते और दो जनवरी को छोड़ते सोचते आज कौन करेगा आज बहुत ठंड है कल से फॉलो करेंगे हम्म एंड ही रोट अ बुक ऑल्सो आई आर नॉट मसीहा एम नॉट अ बसी हाँ तो इसको क्या कहते हैं टालना प्रोकेस्टिनेट आ रहा है सबको लेसरेट कट करना इन करना सिवर करना ठीक है इसको कहा जाता है कट लगाते हैं ना चीरा लगाते हैं लेसरेट डॉक्टर्स क्या करते हैं चीरा लगाते हैं राइट हम्म ये टालना होता है प्रोकेस्टिनेट टालना हर काम को टालना पुट ऑफ करना डिले करना कोई भी काम को लेजीनेस केयरलेसनेस आज बहुत ठंड है आज मोबाइल की बैटरी डाउन है उसको बोला जाता है ये अच्छा दो वर्ड रिक्यूपरेट और accelerate। तो accelerate करना बताओ सुना है तो बताओ डिले समथिंग प्रोकास्टिनेट हाँ डिले है रेक्यूपरेट क्या होता है एक वर्ड आता है एग्जाम में कन्वेल्स -E convalescent. ठीक convalescent. तो recover. Recover है ना धीरे 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 क्यों होना क्योर होना बीमारी से थोड़ा ठीक होते जाना उसको बोला जाता है उसको बोला जाता है ये वर्ड आता है कन्वेलिस में वन हु रिकवर ग्रेजुअली फ्रॉम हिस्स लॉन्ग डिजीज तो वो कन्वेलिसेंट हो, हो रहा होता है बीमारी से रिकवर हो रहा होता है आता है, है ना? गेट वेल हो रहा है गेट बेटर हो रहा है अच्छा हो रहा है सुधर रहा है हालत में सुधार आ रही है बीमार के हालत में सुधार आना ठीक है गेट वेल इसको बोला जाता है नेक्स्ट वन केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट केयरफुल होना कि हर डिटेल जो है वो कैसा है सही है एकदम ध्यान रखना कि हर डिटेल सही है स्टबन रिजिट जिद्दी ठीक है इम्रिबल जिसको जीता ना जा सके आ जे इनविंसिबल मेन वर्ड इसका यही है बाकी बहुत सारे इनविंसिबल इसको जीता ना जा सके मेटिक्यूलस जो बहुत ध्यान रखता है छोटी छोटी चीजों का गलती ना हो मेटिक्यूलस स्क्मिश पसी जो हर काम में गलती निकाले मीन में एक निकालने वाले होते ना फाइन फॉल्ट फाइंडिंग पर्सन फॉल्ट फाइंडिंग पर्सन गलती निकालने वाला ठीक है नेक्स्ट पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूस मैप मैप मेकिंग करने वाला कौन होता है कार्टोग्राफर कैलीग्राफर कोरियोग्राफर शॉफर बहुत बार आए हुए मेरे ख्याल से सारे वर्ड्स आते होंगे प्लीज ये बता दीजिएगा शॉफर ड्राइवर कोरियोग्राफर डांस मूव सिखाने वाले है ना स्टेप सिखाने वाला हैविंग गुड राइटिंग एंड कार्टोग्राफर इज द राइट आंसर नेक्स्ट अंक आंसर फास्ट एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वॉटर जो जल पे भी रह के खुश पानी में भी रह के खुश लैंड पे भी रह के खुश कहीं रखा लो खुश रहेंगे जो खुश रहना चाहता है वो कहीं भी रह लेता है क्या होता है वो टेरेस्ट्रियल किसी अलग टेरेस्ट्री में रहने वाला आसमान में रहने वाला ईश्वर से रिलेटेड अर्बोरियल अर्बोरियल क्या होता है रिलेटेड टू प्लांट्स या ट्रीज मरीन रिलेटेड टू सी ओशन समुद्र किनारे होती ना मरीन एम्फीबियन जगह रहकर खुश रहता है नेक्स्ट ये आंसर आप बताओगे जल्दी जल्दी से जल्दी जल्दी से वो व्यक्ति दैट या समथिंग कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति दैट इज एप्सोल्यूटली नेसेसरी जो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाए ठीक दैट यू कैन नॉट डू विदाउट जिसके बिना आपका काम ना चले उसे क्या बोले जो बहुत ज्यादा जरूरी हो जिसके बिना काम ना चलेगा इंस्यूलियर आइसोलेटेड इंडिस्पेंसिबल इनटॉल क्या होगा इंडिस्पेंसिबल नहीं 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 जो पानी में रहते हैं हाइड्रोवर्ड होता है, पानी के लिए है ना और जो मरीन से रिलेटेड होता है समुद्र से उसको बोला जाता है आइसोलेटेड अकेले और इंसुलर दिया जाता है ठीक है नेक्स्ट वन पर्सन हिज़ ओन कंट्री कंट्री अपनी ही को betray, betray करने वाला ओके दीपिका वेलकम प्लीज आंसर्स आंसर्स लाइक नहीं करा लाइक करिए आंसर्स देना बहुत जरूरी है कौन सा आपके लिए नया है पैरगन मैस्कट ट्रेटर आइकन Paragon कौन होता है चप्पल मुझे तो यही पता था पैरेगॉन की चप्पल आती है, है ना पैरागॉन की क्या आती है चप्पल आती है मुझे ये पता था पर पैरागॉन क्या होती है पैरागॉन होता है जो मिसाल बन सके है ना जिसका सब एग्जाम्पल दे सके एपिटमी बेस्ट एग्जांपल मैस्कॉट ये क्या होता है ताबीज सुना है तालीस्मान जिसको हिंदी में भी तालीस्मान कहा जाता है इंग्लिश का वर्ड भी टैलीस्मेन है टैलीस्मेन हाँ सही में मैंने वही सुना था पैरेगॉन हवाई चप्पल ट्रेटर हो गया इसका धोखेबाज आइकॉन कौन होता है ये पैरेगॉन राइट एक मैस्कट के लिए एक वर्ड होता है अमुलेट अम्यूलट भी ताबीज होती है अम्यूलिट हो गया लकी चाम हो गया ठीक है अगला बार द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड मैनकाइंड का इवोल्यूशन इंसान का इवोल्यूशन की स्टडी को क्या कहा जाता है एंथोलॉजी बायोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी साइकोलॉजी साइकोलॉजी ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन आ रहा है इसलिए मैनकाइंड ये हो जाएगा बायो इज फिजिक शरीर मानव शरीर की स्टडी और एंथोलॉजी कलेक्शन ऑफ पोएम एस राइटिंग सेकेंड इज द राइट आंसर सेकेंड 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 इज द राइट आंसर नेक्स्ट वो बच्चा जिसे बिलीव कर दिया जाए वंचित रखा जाए है ना जिसने झेला हो बिलीव हो जिसके पेरेंट्स की डेथ हो गई हो Of one or both parents, जिनके पेरेंट्स parents की डेथ हो गई हो क्या कहा जाता है डिसउट और फन तीनों में से कौन से वर्ड नहीं आते पूछ लेना और देख लो एक बार नहीं आते तो बता दूंगी मैं देखते रहना हम्म फ हो जाएगा कौन होता है अनाथ जिसके एक या दो में से दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई हो लाउट कौन होता है हिंदी में भी ठग होता, थग। होता।, होता है ठग जो ठगने वाला होता है इंग्लिश में भी ठग होता है ये ठीक है डेस्टिट्यूट डिप्राइव वंचित ठीक है और डेसोलेट आइसोलेट isolate, अकेला आइसोलेटेड अलोन रेक्ल्यूज बोला जाता है दिन दुनिया से एकदम दूर उसको बोला जाता है ठीक है अगला वाला, अ कंसिस्टेंसी लगातार बने रहना दैट डज नॉट यील्ड टू प्रेशर जो रुके ना जो लगातार बना रहे है ना जो इजीली रेडी ना हो किसी भी प्रेशर में आके टूटने के लिए जो किसी भी टूटने रीजन से टूटे ना जो फर्म रहे ड्रर रहे उसे क्या कहेंगे क्लोज बंद सब्सटेंशियल इंपॉर्टेंट फर्म या रैम रैमरोड, रैम रोड ये कौन सा वर्ड है सबस्टेंशियल देखो रॉड है रॉड राम जी का धनुष जो कोई और नहीं तोड़ सकता था जो कैसा था एकदम कल, जो एकदम कैसा था Not easily yield to pressure. किसी भी दबाव को नहीं झेलेगा अगर आप फॉर्म है तो आप दृढ़ है क्या ये भी हो सकता है फिर तो ये भी हो सकता है और ये भी लग रहा है आप लोगों को क्या होगा रैमरोड कौन होता है स्ट्रिक्ट बनना एक दिन ध्यान से देखना जो बहुत स्ट्रिक्ट है जो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिनेरियन है डिसिप्लिन को फॉलो करने वाला है हर चीज का डिसिप्लिन होता है तो डिसिप्लिन को फॉलो करने वाला है स्ट्रिक्ट है टफ है ठीक है अब की बात आ रही है हाँ कंसिस्टेंसी की बात आ रही है फम रहते हैं आप अपनी बात पे अडिग रहो फम रहो है ना चाहे जो आ जाए कोई प्रेशर डाले डाले ये होगा ये होगा ये, हो, ये मिल रहा है पर होगा नहीं क्योंकि ये स्ट्रिक्ट में आता है कैसा बंदा सख्त है ठीक है नेक्स्ट पिंग समवन एल्स वर्क एंड ट्राइंग टू सबमिट एज योर ऑन किसी दूसरे के काम को चुरा लेना ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लिटरेचर की चोरी किसी के काम की चोरी क्या कहेंगे प्लेगरिज्म होलीगम अल्ट्रोइज्म क्या कहेंगे प्लेगरिज्म चोरी हो गई होलीगानिज्म वही होता है लूट खपाट क्राइम करना एंड ऑल उसको बोला जाता है क्राइम है रायट है कुछ भी करो ऐसा जो अपराध हो अल्ट्रोइम पता ही परोपकारी और हर चीज के अपोजिट जाना शक करना किसी भी बात पे विश्वास नहीं करना क्रिटिसाइजिंग इन नेचर अगला वाला गवर्नमेंट गवर्न बाय वेल्थ वो गवर्नमेंट जो पैसे से चलती है थियोक्रेसी ईश्वर से टोक्रेसी सेल्फ से डेमोक्रेसी पीपल से फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल और चुने जाने के बाद कौन से पीपल समझ के दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल आफ्टर चुने जाने के बाद कौन से पीपल प्लूटो गवर्नमेंट नेक्स्ट डेंजरस थ खतरों के खिलाड़ी पसंद है जिसको डेंजर काम करना इन अ वे दैट अदर पीपल मे थिंक इज टूप दूसरा होता है ये क्या बेवकूफी कर रहा है वो काम करता है वो ठीक है कौन होता है डेवल. कौन होता है आंसर बताएं डी होगा क्या हाँ आफ्टर फाइव ईयर अगेन पीपल पीपल राइट बिल्कुल सही कैवेलियर नहीं होगा लिनाटिक मैड होता है लिनाटिक मैड फिनाटिक सन की गैलेंट ब्रेव और खतरों के खिलाड़ी तो डेयर डेविल को ही कहा जाता है एडवेंचरस है एडवेंचरस है खतरों के खिलाड़ी है डेरिंग है है हाँ ना तो जब चुनने की बारी आएगी तो आप इसमें से इसको चुनोगे हाँ ब्रेव को कहा जाएगा ब्रेव भी इसी का सुना होता है बट ये जब चुनने की बारी आएगी हाँ जी नमस्ते अगला वाला केपेबल ऑफ बीइंग बेंट बेंट कर दिया जाए जिसको झुका दिया जाए है ना और पुल्ड इन टू डिफरेंट शेप अलग अलग शेप में जिसको ढाला जा सके वो कौन होता है लिसम लिथ विलोई और डक्टाइल बताओ अगर तीन वर्ड्स ये आते हैं तो तो आप कर पाओगे नहीं आते नहीं कर पाओगे हम्म hmm. आंसर ductile actually ductile bata ductile is flexible ठीक है ductile होता है फ्लैक्सिबल तो फ्लैक्सिबल जो बदल जाए अलग-अलग रूप में ये तीनों वर्ड्स पता है क्या या मैं बताऊं जैसे ही मैंने एक वर्ड लिख दिया ना आपको आ जाएंगे तीनों ठीक है ये तीनों सिनोनिम्स है ये तीनों सिनोनिम्स है किसके स्लिम ठीक है तीनों नेक्स्ट वन बताओ जल्दी 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 बर्ड्स को रखने वाली जगह अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें जहां पर बर्ड्स को रखा जाता है एपीओरी बरो एवीरी डॉमेटरी है ना अलाज रूम एक बड़ा सा रूम कहां पर हॉस्पिटल में हॉस्टल में इन हॉस्टल हैविंग मैनी बेड्स एज मैनी एज पॉसिबल सो बेड लगा दे उनका बस ले तो है ना दैट इज डोर्मेटरी एवी इज वर्ड तो एवी इज राइट एपी इज बीस को रखने की जगह और बरो में कौन रहता है रैट अब कहोगे मैम हम खरगोश रहते हैं हाँ तो खरगोश लिख दो कौन सा होता है खरगोश a rabbit ठीक है चूहों का घर होता है उनके फ्लैट्स होते हैं अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड 1 बीएचके 2 बीएचके बना के रहते हैं नेक्स्ट मनीषा इज अ बिलीवर ऑफ फेट मनीषा कौन है पेट को भाग्यवादी किस्मत को मानने वाली किस्मत में होगा तो हो जाएगा सिलेक्शन मैं क्यों पढूं है ना और किस्मत पे नहीं होगा तो मैं नहीं मैं चाहे कितना ही पढ़ लू नहीं होगा वो है ये तो मिनिमलिस्ट कौन होते अगर दो क्लोथ्स खरीदेंगे तो पहले दो निकालेंगे क्योंकि हमें कम से कम चीजें चाहिए मिनिमलिस्ट ठीक है और कैटालिस्ट कौन होता है गेम चेंजर जो बदलाव लाए बदलाव लाने वाला सोशलिस्ट यूनोवेलट इज द राइट आंसर नेक्स्ट है. Black book is only year, है भी नहीं मिलेगा ये अभी परसों की आई है मैं आज करवा रही हूँ ठीक है ये ब्लैक बुक से आगे बढ़ रहा है वन हु लुक्स एट हर नेगेटिव साइड पैसिस्ट हो गया इसका आंसर नास्तिक नकारात्मक साइड को कौन होगा पैसिमिस्ट, नेक्स्ट समस्टली प्रिटेंड्स डिसनेस्टली है ना धोखे से प्रिटेंड करता है कोशिश करता है दिखाता है टू डिसीव धोखा देने का अंडर एन अज्यूम्ड कैरेक्टर क्या कहना चाह रहा है भेष बदल के धोखा देने वाले व्यक्ति क्या कहलाएंगे यहां पर इमिटेटर कौन है ये कॉपी करने वाला इंबसाइल कौन होता है बेवकूफ है ना डॉट फूल स्टूपिड इंपोस्टर इंपोस्टर होता है इम्पोस्टर है प्रोटेंशियस है ऑस्टेंटेशियस है है ना वो सब होते हैं जो अपने भेष बदल के चेंज करके और लोगों को धोखा दे एक्सप्लोरल कौन होता है जो हर चीज नए से नया जानने वाला होता है एक्सप्लोर करने वाला yeah. नेक्स्ट अच्छा कितना फर्क पड़ा बताइए भोले जोशी जी बाय किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना होमिसाइड फेटिसाइड जिनोसाइड सुसाइड सुसाइड एक ऐसा क्राइम जो अगर हुआ नहीं ना तो आपको सजा मिल जाएगी हो गया सक्सेसफुल तो कोई सजा नहीं। फिर आप आराम से हो suicide, वो क्राइम ब्रून होता है, ब्रून की हत्या, है ना गर्भ में पल रहे बच्चे को मार देना होमिसाइड अपने जैसे एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को मार दे हमेशा होमिसाइड तो होता ही रहता है हर बार जीनो साइड इज द राइट आंसर नेक्स्ट अब तक कितने सही हुए हैं बताइए फोर्टी वन पे आ गए, अब तक कितने सही हुए हैं अ पर्सन हु किल समी जो दूसरे को मार दे स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन फॉर पॉलिटिकल रीजन क्रिमिनल मॉन्स्टर हैंगमैन एसे हैंगमैन नया है जल्लाद कहा जाता है इसको कौन है हैंगमैन जल्लाद जो अंतिम सांस लेने तक उस पे उसके साथ होता है उस क्राइम करने वाले के साथ और फिर लास्ट में उसको मार देता है हैंगमैन ठीक है हाँ असैसन इज द राइट आंसर नेक्स्ट अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स वर्शिपर्स पुजारी पूजा करने वाले श्रद्धालु जो होते हैं एक जगह जब पुजारी आ जाए श्रद्धालु आ जाए जैसे अभी कौन सा धाम चल रहा है बड़ा फेमस कौन से बाबा है जिनके पास दस दस लाख लोग पहुंच जाते हैं है ना तो वहां पे जो दस लाख भक्तजन पहुंचते हैं उन भक्तजनों को क्या कहा जाता है क्राउड तो भीड़ होती है कॉन्ग्रीगेशन यस कैरेवन पता पीछे आ गया कॉन्स्टुलेशन पता पीछे आ गया हम्म फोर्टी आए हैं थर्टी एट आए हैं काफी लोगों के बहुत सही आए बहुत सही आए ऑलमोस्ट रिपीटेड है बेटा ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है SSC ने ना ये पेपर बनाने के लिए बागेश्वर धाम हाँ ये एस एस सी का स्टेटमेंट था क्वेश्चन बनाने समय है ना अब नहीं बनाएंगे बहुत बना लिया MTS में जितने नए देने थे दे, चाहे आप कॉमन एर देख लो सोनोनिम देख लो एंटेम देख लो वनवर्ड देख लो आगे देखा ही नहीं माने अभी सब उसमें डाल दिए चलिए वो जगह जहां एक पर्सन, पर्सन एक परसन ट्रीट परमानेंट होम जहां परमानेंट होम होता है उसको क्या कहा जाता है रिजॉर्ट रिजॉर्ट में तो कभी कभी मजे के लिए जाया जाता है एम्बैंकमेंट एम्बैंकमेंट क्या होता है एम्बैंकमेंट होता है नदी किनारा बैंक कर रहा है ना किनारा और ओएसएस दूर रेगिस्तान दूर दूर तक कुछ नहीं और अचानक से आपको पानी की बूंद दिख जाए कुछ पेड़ दिख जाए वो ओएसएस कह रहा ठीक है और डोमिसाइल जो अपना घर होता है उसी को कहा जाता है ठीक है हाँ जी आपकी बुक बेस्ट है तो फिर पढ़ते रहिए बस उससे बाहर कुछ आता नहीं है और ये जितनी क्लासेस मैं करवाती हूँ एक भी वर्ड उससे बाहर नहीं आया हुआ यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है सब करे हुए क्लास में टर्न कोट ये कौन होता है कौन बताएगा केपेबल ऑफ और अडोप्टेड अडोप्टेड फॉर टर्निंग इजीली फ्रॉम वन टू अनादर ऑफ वेरियस टास्क फील्ड किसी भी टास्क में किसी भी फील्ड में चल दे ठीक है और एबल टू डू मेनी थिंग्स बहुत सारे काम जो एक साथ कर ले वो टर्न कोट होता है टैलेंटेड होता, होता है या फ्लेक्सिबल होता है क्या बोलते भाई इसको जो दल बदलू तो टर्न कोट होता है ना ये दल बदलू बिन पेंदे का लोटा कभी मैं इधर चला कभी उधर चला है ना और टैलेंटेड तो पता है जन्म जात जिसके अंदर खूब है राइट Flexible नहीं होगा वर्सेटाइल नेक्स्ट अग क्लमजी ऑफन स्लो विटेड पर्सन स्लो विटेड पर्सन स्लो है जिसका साबुन स्लो है स्लो व्यक्ति सुस्त व्यक्ति क्या कहेंगे चम ऑफ स्लाउच चलिए एप तो मंकी होता है मंकी ठीक है चम्प डॉट बेवाकूफ ऑफ और स्लाउच अब स्लाउच होता है सुस्त और ओफ होता है क्लमजी अब इसने क्या करा है दोनों वर्ड लिख दिया है दोनों वर्ड लिख दिया है है ना दोनों लिख दिया अब इसने एक दिया अभी ढूंढ के नया कि चलो एक दे देते उसमें भी दो वर्ड ऐसे लिख दिया अब सुस्त होने के कारण शायद आएगा तो ये जो ऑफ सुस्त होता है ये स्लाउच एक काम ढंग से नहीं करता है एप मंकीज़ को कहते चिंपैंजी भी एप होता है हर वो जो मंकीज़ की कैटेगरी में आता है एप होता है प्लेस वेयर ग्रेन आर स्टोर्ड वो जगह जहां पर अनाज रखा जाता है उसे क्या कहते हैं टैनरी पेंटरी ग्रेनरी मिंट मिंट आ चुका है टक्साल को बोलते हैं टक्साल को बोलते हैं और टैनरी क्या होता है टैनरी इज मेड बताओ क्या बनता है टैनरी में क्या बनता है स्लाउट राहुल गांधी श्योर पैदल इतना कौन चलता है पूरे पूरे जगह पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चलने वाले इंसान को आप स्लो कैसे बोल सकते हो भाई ठीक है पेंट्री स्मॉल किचन जो होती है ऑफिस वगैरह में छोटा मोटा जहां पे काम हो जाए उसको बोला जाता है ग्रेनरी अनाज रखने की भंडार ग्रह को बोला जाता है क्या वास्तव में नेट स्लो चल रहा है तुम चले पूरे इंडिया में कभी पैदल चले हो उस बंदे को हमने स्लो बोल दिया यार उसने एक मिसाल कायम करी है उससे पहले उससे बाद में कोई और पॉलिटिशियन है जो इस काम को कराए कैन नॉट हियर जो सुन नहीं सकता है वैसे तो सा, सारे नेता लोग बोल सकते हैं इसमें पर ऑप्शन में दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे जो दिया उससे काम चलाएंगे इनऑडिबल इनऑडिबल नहीं होगा वो व्यक्ति जो सुन नहीं सकता ध्यान से देखो रटो मत जो सुन नहीं सकता वो डेफ होता है डेफ और जो सुनाई ना आए जो आपको सुनाई ना दे वो इनऑडिबल होता है कि भाई कैसी आवाज है सुनाई तो आ नहीं रही है कुछ भी नहीं आ रहा इसमें तो इनऑडिबल ठीक है इलेजिबल जिसको पढ़ा ना जा सके डम वन हु कैन नॉट स्पीक जो बोल नहीं सकता नेक्स्ट अगला कॉजिंग और वॉन्टिंग टू कॉज हार्म और इविल टू समन दूसरे को नुकसान पहुंचाना दूसरे को क, अ, मतलब अ, कैसे भी करके ना किसी दूसरे का बुरा करना यही सोचता रहता है ये विन, ये ये बंदा कौन है ये हे भगवान कितनी अच्छी कार है है ना फिर अच्छा इसकी कार है आज इसका एक्सीडेंट हो जाए ऐसे सोचने वाले लोगों को क्या कहते हैं क्या कहते हैं, हैं? क्योटिक ये तो वो होते हैं अनार्किस्ट है ना अराजकतावादी इंसुपेट टेस्टलेस कैसा खाना बनाया बिल्कुल इनसिपिड है स्वादी नहीं है इसमें मैलीवोलेंट और रेनकरस शोर मचाने वाला या फिर ऐसे उपद्रव करने वाला उपद्रव करने वाला इसको कहते हैं मैलीवोलेंट राइट है, मैली है। बेनिवोलेंट होता ना भलाई करने वाला और मैलीवोलेंट बुराई करने, करने वाला बुरा चाहने वाला ठीक है हम जिन्होंने लाइक नहीं करा है वो सेशन को लाइक जरूर कर दें One who believes in fate. ये तो आ गया अगर मेरी किस्मत में है तो मेरे सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता और हाथ पे हाथ मैं तो के बैठी रहूंगी वो एग्नोस्टिक रियलिस्ट सर्वज्ञता, ईश्वर को बोला जाता है रियलिस्ट और एग्नोस्टिक ये कर चुके आगे नेक्स्ट कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ जिसका मौत ही अंतिम सत्य हो जिसकी मौत निश्चित है जिसकी मौत निश्चित है वो क्या होगा ग्रूसम ग्रोटेस्क सुनोनिम होते हैं ठीक है फॉस्टर जो खूब आगे बढ़ता है फॉस्टर होता है और जो इसकी मौत निश्चित है वो फैटल फॉस्टर ग्रोइंग ठीक है ग्रोटेस ग्रूसम गंदा भद्दा ठीक है नेस्टी डर्टी स्क्वेलेड ये सब नेक्स्ट शॉर्ट हैंड की तैयारी कैसे करें अ फॉर्मल अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर नेशंस और पीपल दो और दो से ज्यादा नेशंस और पीपल के बीच में जो अग्रीमेंट बनता है ना जो संधि होती है जो ट्रीटी होती है उसे क्या कहते हैं बॉन्ड चार्टर पैक्ट या कॉन है ना पैक्ट पैक्ट इज राइट अ पर्सन हुज एज इज बिटवीन सेवेंटी टू सेवेंटी नाइन ईयर्स ये क्वेश्चन लगभग लगभग फाइव ईयर्स के करीबन आया है फोर टू फाइव ईयर्स बाद आया आफ्टर फोर फाइव ईयर्स एटीन में आता था नाइनटीन में आता था, 19 में भी आया, 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 शायद लास्ट आया। उसके बाद ये कभी नहीं एटी तो से एन ऑक्टोरियन नाइनटी से नाइनटी नाइन नॉन जेनेरियन विलिंग टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू आइडिया जो पुराने पे काम नहीं करा नया लेगा नया काम करेगा रिस्क लेगा रेजोल्यूट ये फॉर्म है ठीक है और ये डेयर है है ना डेविल है डेयरिंग है नया ही करना मुझे करना है ये सब मैं देख लूंगा रिस्क मेरे ऊपर है राइट चलिए अगला क्वेश्चन टू मूव और ट्रेवल बैक एंड फोर्थ फ्रीक्वेंटली देखो एक होता है फेरी सुना है फेरी फेरी सुना है क्या फेरी बताइए मैंने बताया था फेरी वाली जो बोट्स होती हैं यहां से वहां छोड़ा फिर उधर से आए इधर ले आए इधर से उठाया उधर ले गए सिटी बसेस होती है इधर से उधर फेरी करती है उसको बोलते हैं राइट right? अब यहां पर क्या ग्रैपल ग्रैब करना है ना सीज करना हथिया लेना किसी चीज को उसको फॉस्टर अभी आया था रेपचर अभी आ चुका है रेपचरस तो क्या होगा क्या होगा शटल शटल एक होता है फेरी से उधर फेरी लगाने वाली नाव होती है लेके जाती है फिर लेके आती है फिर लेके जाती फिर लेके आती है फिर लेके जाती सिटी बस भी यही करती है लेके जाती है ले लेके आती है लेके ऐसी ही ट्रेन होती थी पहले शटल ट्रेन अभी भी होती है लोकल ट्रेन जो होती है ना शटल बॉम्बे लोकल शटल चलती है वहां पर ठीक है तो दैट इज शटल दैट इज शटल दैट इज शटल ठीक है फेरी का सुनाने में शटल पुराना क्वेश्चन है नया नहीं है मैम एक मैराथन ले लो प्लीज ऐसे रिक्वेस्ट कर देते हो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ठीक है मना कर नहीं पाती फिर लेती हूँ बहुत दिक्कत के साथ लूंगी रुको अभी मैं सोच रही हूँ दो तीन दिन में ठीक है समवन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड जो सॉलिट्यूड में रहता है जो सॉलिट्यूड में रहता है एकदम अकेले एकदम अकेले कॉस्मोपॉलिटन जो पूरे कॉस्मो को कॉस्मो क्या कहते हैं यूनिवर्स को अपना मान चुका है ये तो पूरा संसार छोड़ो यूनिवर्स भी हमारा है हम साथ ये तो सारे हम साथ साथ हैं मेट्रोपॉलिटन पूरे वर्ल्ड को अपना मानता है, है ना बड़ी सिटीज को अपना मानता है तो ये हम साथ साथ अग्ञान रेफ्यूजी तो खुद शरणार्थी है कहीं कोई जगह दे दो हम रह जाए ये है रेकल्यूज अकेला एकल खोर खोर अ लोन वुल्फ ठीक है अगला वन हु लव्स मैनकाइंड क्वेश्चन एकदम रिपीटेड कल ग्रामर करेंगे नहीं नहीं वो क्या आप करेंगे फिर इंदा ब्लैंक्स खतरनाक के इसके तो पहले वो करके उसके बाद ऑप्टिमिस्ट ऐसे क्वेश्चन क्या है मैनकाइंड को लव करने वाला ठीक है सारे ऑप्शन जान रहे हो आप इसलिए अभी नहीं चल रहा है हाँ वसुदेव कुटुंबकम वो होता है कॉस्मोपोलिटन राइट स्पीच बाय एक्टर एट द एंड ऑफ अ प्ले प्ले खत्म हो रहा है उसके बाद में उसके बारे में कहा जा रहा है खत्म होने के बाद में कहा जा रहा है एंटेनिम नहीं करवाई क्या अभी तो फिर एंटेनिम लूंगी डायलॉग मोनोलॉग एपिलॉग प्रोलॉग प्रोलॉग बिफोर प्ले शुरुआत में प्रोलॉग प्रीफेस होता Prologue है ना प्रोलॉग है प्रीफेस है फॉरवर्ड है ये सब शुरुआत में होता है शुरुआत में और एपिलॉग लास्ट में एपिलॉग लास्ट में एंड में ई फॉर एपिलॉग जिसको याद नहीं होता ऐसे कर लो प्रो कुछ लोग प्रो प्रो होते हैं ना प्रो होते हैं किसी काम में प्रोएक्टिव है पहले से ही तैयार रखते तो प्रो पहले से ओके okay? और मोनोलॉग अकेला डायलॉग दो लोग डायलॉग दो लोग और एपिलॉग uh, एंड में अगला ऑथर्स एक्सप्लेनेटरी रिमार्क एट द बिगिनिंग ऑफ अरे ये क्या है सेम सेम एक्सप्लेनेटरी रिमार्क एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक शुरुआत में है तो प्रीफेस फॉरवर्ड क्या होता है अबाउट द बुक ठीक है एक भी लिखा है है क्या? नहीं बायोग्राफी नहीं चलिए वो चीज जो कभी नहीं बदलती है और कभी नहीं बदलने के कारण क्या हो जाती है जी यस yes, अंशिका हंड्रेड परसेंट ठीक है जो कभी नहीं बदलता है वो कैसा हो जाता है डल बोरिंग मोनाटनस लिखा हुआ भी है डल बोरिंग ब्लैंड मोनाटनस हमड्रम बैनल सब तो मोनाटनस इज अ राइट आंसर इम आउटडेटेड आइडियलिस्टिक आइडियलिस्टिक है मतलब नॉट प्रैक्टिकल यही सेम हो गया ठीक है आउटडेटेड ऑब्सोलीट नेक्स्ट, बताइए भाई आंसर्स नहीं आ रहे हैं इसका क्या रीजन है स्पेसिफिक आ नहीं रहा है क्या इतना इजी आप लोगों को आंसर्स कम कर रहे हो लाइक्स भी नहीं आ रहे हार्ट्स भी नहीं आ रहे स्माइल भी नहीं आ रहे क्या हुआ काइंड जनरस पोटेंशियस ये क्या लिखा हुआ है अच्छा पोटेंशियस मेग्निस मेग्निस ये होता है मैग्निफिशेंट स्प्लेंडेड शानदार ठीक है और ग्रीलोक ग्रैंड और लॉक बड़ी बड़ी बातें करने वाला पेकू होते हैं ना लोग बड़ी बड़ी बातें करने वाला काम डिलीवर का नहीं बस बातें कैसी करनी है बड़ी बड़ी ग्रैंड लोकेंट वाला वाला आई एम सॉरी ठीक है नेक्स्ट वन अरे एक वर्ड पोटेंशियस रह गया ना ये कौन होता है दिखावटी 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 को इंग्लिश में और क्या बोलते हैं प्लीज तीन सुनोनिम लिख दो कोई भी कोई भी तीन सुनोनिम हाइपोक्राइट इंपोस्टर इसने लिख भी दिया हाँ ये हाइपोक्राइट ठीक है प्रोटेंशियस किससे मिल रहा है प्रोटेंशियस से मिल रहा है ना ये एंजॉइंग और अफोर्डिंग वॉर्म सिक्योर शेल्टर और कवर एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ईज एंड कंटेंटमेंट अब ये क्या बड़ा असर दे दिया एकदम ईज यानी आराम कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि ठीक है enjoying एंजॉय enjoy करना वॉर्म सिक्योर शेल्टर वॉर्म एकदम अच्छा सा सिक्योर सा घर में रहना जहां पर एकदम मस्त आपको आराम मिल रहा है कंफर्ट मिल रहा है कोई चिंता ही नहीं है बहुत आराम से रह रहे हो सुरक्षित भी है घर भी साफ सुथरा सुंदर सा है क्या होगा ये ईजफुल ईसफुल्ड अनट्रबल बिना परेशानी के ईजफुल आराम से आसानी से या अनडिस्टर्ब बिना किसी बाधा के रहे जा रहे जारे, रहे जा रहे जारे, रहे जा रहे जा रहे अब एक वर्ड आता है चौथा दैट इज कोजी अब आ गया ना वर्ड सुन लिया इन्होंने कि मैंने बोला पुराने दे दिए यू ही बिना कोशिश करे लो एम के बनाए थे थोड़े बच गए थे कुछ मतलब फिफ्टी सेवन में निपटा दिए पहले हमने सोचा था साठ वर्ड पेपर सेट करेंगे तो कुछ बच गए उसके इधर डाल देते हैं चलो ये है कोजी ये है कंफर्टेबल ये है आरामदायक अब क्या होगा भाई अब ये होगा अब होगा ये ठीक है आइए चैट करते हो आप व्हाट्सएप पे स्मग अलग होता है स्मग नहीं है स्मग एरोगेंट स्मग स्मग होता है एरोगेंट स्नग सैटिस्फाइड होता है स्नग है, है ना, आपकी भाषा में लिखा हुआ जैसे सामने वाले को समझ में आ जाए तो डी कोडिंग एक होता है एन कोडिंग मैसेज को कोड करना डी कोडिंग अंडरस्टैंड करना और एनक्रिप्टिंग ये बनाना ठीक है अच्छा डी कपलिंग क्या होता है डी कपलिंग एक होता है फोर्टीन फेबर को कपल जा रहा है फोर्टीन फेबर को कपल जब जा रहा होता है अगर उस बंदे को दिख जाए जिसके कोई पार्टनर नहीं है तो उसको एकदम कैसा लग जाता है ऐसे कैसे इसके पार्टनर है फिर वो इन्फॉर्म करते हैं उन लोगों को जो भैया पार्क में बैठे हैं जरा देखो जरा जाके उनको क्या कर देते हैं वो डी कपल क्या कर देते हैं डी कपल थोड़ी देर में वो कपल से डी कपल बन जाते हैं भाई बहन बना देंगे ऐसे कर देंगे कुछ भी कर देंगे तो वो होता है डीकपलिंग कपल को डीकपल करना किसी का घर तोड़वा देते हैं वो बनने से पहले समझ गए नेक्स्ट वन टू स्ट्रांग टू बी डिफीटेड और चेंज हाँ वही समझ लो टू स्ट्रांग टू बी डिफीटेड और चेंजेस को ना बदल सकते हैं जेलेस नहीं बजरंग दल वाले को बुलाते हैं सीधे तो चला लाठी चार्ज होता है सीधे सीधे मान जाए तो ठीक नहीं तो डी कपल करके राखी बंधवा के निकल लेते हैं नहीं चलो बहुत ज्यादा स्ट्रांग जिसको आप डिफीट नहीं कर सकते तो यही होगा पहला सॉवरन फ्री आजाद इंडिपेंडेंट विग्रस हेड स्ट्रांग ये कौन होता है हेडस्ट्रॉन्ग स्मग एरोगेंट एक बार जो मैंने बोल दिया तो मैं किसी की नहीं सुनने वाला वो होता है नेक्स्ट Hmm. Which cannot be read, जिसको पढ़ा ना जा सके इन विजिबल इनलेजिबल इन इनऑडिबल क्या बोलेंगे सिक्सटी फोर आ गए हैं क्या जिसको पढ़ा ना जा सके illegible, ठीक है yeah. पूरा ही करेंगे आज सेवेंटी नाइन कुछ है सेवेंटी नाइन नहीं है सेवेंटी कुछ है हा? लाइफ हिस्ट्री रिटर्न बाय वन सेल्फ कोई और तो लिखेगा नहीं अपनी स्टोरी वैसे हिस्ट्री क्यों लिखा लाइफ स्टोरी हिस्ट्री चलो ठीक है अपनी स्टोरी अपना बायो खुद ही लिख देना अपना बायो खुद लिख देना नहीं नहीं सिक्सटी टू एनक्रिप्टिंग सीक्रेट डी कोड करना मैसेज को समझना होता है डी कोड करना समझना होता है एनकोड कर दिया सामने वाले ने आपने उसको अंडरस्टैंड करा डी कोड उसमें क्या था छुपा के दूसरों को पता भी ना चले तो एनक्रिप्टेड व्हाट्सएप मैसेज हमारे होते हैं ठीक है कैसे होगा उसका नहीं ऑटोग्राफी और ऑटोफैगी ये सब तो होगा नहीं ऑटोफैगी ये क्या होता है बॉडी का ये साइंस का वर्ड है ऑटोफैगी क्या होता है बॉडी के पार्ट्स का इंटरनल जुड़ना उसको बोला जाता है ऑटोफैगी ठीक है जो ओल्ड ओल्ड वाले टिश्यूज वगैरह रहते हैं ना सेल रहते हैं उनको डैमेज सेल को ठीक करना नेक्स्ट वन द मर्डर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आचुकावड़े एक साथ बहुत सारे लोगों को मार देना कौन सा नहीं मिल रहा है idioms और synonym का पिछड़ा ही है यहीं पे देख लो शुरुआत फर्स्ट लाइन में मिल जाएगा जीनोसाइड ऑन अKilling जिरेंटोसाइड मैरिचसाइड अपने विवाहित पार्टनर को पति है तो पत्नी को या पत्नी है तो पति को मार देना मैरिटो साइड ठीक है ना साइड और जेनेरियन ये सब पूछा जा रहा है नेक्स्ट समथिंग बिलोंगिंग टू और सर्वाइविंग फ्रॉम एन अर्लियर पीरियड जो पुराने बच गया हो है ना पुराना पीरियड का पुराने समय का जो बच गया हो वेस्टेज रूइन डायनासोर डायनासोर भी हो सकता है पुराने पीरियड का बच गया है तो हां प्रैक्टिस सेट ढाई हजार क्वेश्चन है पर आप ऐप पे जाइए वहां पर उसका पूरा पेज वगैरह डिटेल वगैरह सब मिल जाएगी देखो सेटिस्फाइड हो तो लेना है देख लो पहले जाके हाँ Vestige. Vestige, क्योंकि नया लग रहा है तो इसी को लिख दो वेस्टिच क्या होता है हिंट, क्यू, ठीक है? तो ये तो होगा नहीं रैलिक होगा अवशेष डायनासोर और रुइन नहीं होगा जो पुराना बच गया रैलिक होता है भाई रैलिक होता है पुराना बच गया हो पुराने पीरियड का मोहनजोदारो के रैलिक नहीं मिले मोहनजोदारो वाले पीरियड के अभी तक मिल रहे हैं ना मिलते हैं ना पुराना नेक्स्ट अ पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक एल्कोहल जो एल्कोहल नहीं पीता है वेजिटेरियन एब रहना दूर रहना होता है परहेज करना सेलिब्रेट ब्रह्मचर्य का पालन करना राइट right? और टीटोटलर yeah. विथ फियर और ड्रेड डर से भरा हुआ एकदम डर जिसको लग रहा हो बहुत ज्यादा प्रूडेंट कॉर्पोलेंट हिस्टेरिकल, ट्रिमुल प्रूडेंट है वाइज है ठीक है कॉर्पोलेंट क्या होता है कॉर्पोलेंट कार्पोरेट पनिशमेंट होती है वैसे है ना तो बॉडी से रिलेटेड फ्लैशी जो ना स्पिरिचुअल नहीं है मोह माया में लगे रहते हैं है, उनको भी बोला जाता है ठीक है स्टेरिकल जो अलग लिखते हैं पागल थोड़े से वैसे लगते हैं वो पर होते नहीं है मजाकिया फनी भी हो सकते हैं और थोड़े से सनकी होते हैं हाँ ट्रिमुलिस ट्रीमेंट होता है ट्रीमेंट कल ही बताया था मैंने आपको ये नया वर्ड आया ट्रीमेंट फ़ियरफुल, ठीक है नेक्स्ट समवन हु रिगार्ड्स द वर्ल्ड एज अ जोन कंट्री पूरे वर्ल्ड को अपना ही देश मानने वाला पूरे वर्ल्ड के लोगों को अपना मानने वाला क्या बोलते हैं उसको कॉस्मोपोलिटन मेट्रोपोलिटन अथी और मेट्रोपॉलिटन बड़ी सिटी होती है ना कॉस्मोपोलिटन पूरे यूनिवर्स को अपना मानने वाला कॉस्मो कॉस्मो बरियल ग्राउंड कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेवस वो बरियल ग्राउंड जिसमें ग्रेव्स ग्रेव्ण। वो ग्राउंड जिसमें ग्रेवजो ठीक है कोठिया चौक होता है घर का उसको कहा जाता है सेंचुरी बर्ड्स जहां रहते हैं बर्ड्स के लिए नेचुरल जो पूरा एनवायरमेंट दिया जाता है उसको कहा जाता है अभ्यारण्य ठीक है ऑडिटोरियम में प्रोग्राम्स होते हैं सिमेट्री कब्रिस्तान ठीक है दिस इज नेक्स्ट कितने क्वेश्चन है सेवेंटी नाइन सेवेंटी टू पे आ गए नॉट इंफॉर्म अबाउट और अवेयर ऑफ समथिंग जब किसी बात की आपको कोई खबर ही नहीं हो उसे क्या कहते हैं एबसेंट ऑब्लीवियस इनकंसिस्टेंट या अनएजुकेटेड जब आपको किसी बात की खबर ही नहीं है क्या कहलाएगा सेवेंटी नाइन सेवन मोर क्वेश्चन इनक लिखा है इनकंसाइंट ऑब्लिवियस मुझे लगा था इनकंस्टेंट लिखा है ऑब्लिवियस ऑब्लिवियस क्या होता है कौन होता है ऑब्लिवियस जो कंप्लीटली अन हो किसी भी चीज से अनअवेर हो कुछ पता ही नहीं है उसको ठीक है हा अनअवेयर होगा यही होगा यही होगा नेक्स्ट द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज जो खूब डिक्शनरीज लिखते हैं और नए नए शब्द जो कहीं कहीं से भी आते हैं वहां डाल देते हैं डिक्शनरी में ठीक है और फिर आप परेशान होते रहते हो राइट जैसे स्मग और स्नग में परेशानी है ना ऐसे एंथ्रोपोलॉजी फोटोग्राफी फिलोलॉजी सब मोमाया है लेक्सिकोग्राफर उनको हम लेक्सिकोग्राफर कहते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ये क्या कहते हैं क्या कहते हैं बर्ड्स कलिया ठीक है रीत पोजीज और बुके तो पोजीज और रीत हो सकता है शायद आपको कंफर्म नहीं हो बुके तो पता ही फ्लावर्स का जो बंच दिया जाता है उसको कहा जाता है और पोजीज को बुके कहा जाता है तो ये दोनों क्लियर हो गया नहीं है ये नहीं है ये राइट आंसर तो ये जो होता है ये ये वाला जो हिस्सा होता है ये ये जो हमें दिखाई देता है ट्रंक हो गया ट्रंक के ऊपर होती है पेड़ की छाल नीम के पेड़ की छाल को घिस घिस के फुंसियों पे लगाया जाता था पहले अब तो नहीं लगाया जाता है तो पेड़ की छाल वही आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है पेड़ की जो अंदर की चीजों को बाहर नहीं आती तो बाहरी जो स्किन होती है पेड़ की है ना उसको बार की तो कहा जाता है ठीक है पील छिलका अरे आलू में बार्क होता है या पील होता है आलू में बार्क होता है या पील होता है आलू में रिंड है पील है ये आलू के ऊपर जो लगा रहता है छिलका उसको कहा जाता है ठीक है श्रब तो अलग पता ही है ठीक है A place where airplanes are kept for maintenance. A place where airplanes are kept for maintenance. Scullery, kitchen में थोड़ी जगह दे दो या अलग से एक बर्तन साफ करने की जो जगह होती है उसको कहा जाती है उसको कहा जाता है क्या क्या कहा जाता है ये स्कलरी बर्तन मांजने की जगह हैंगर हैंगर और एवियरी ये बर्ड्स को रखने की जगह होती है हैंगर पे कपड़े लटकाए जाते हैं कुछ भी लटकाना होगर हैंगर में एयरक्राफ्ट रखा जाता है एयर फॉर एयरप्लेन ठीक है अगर कंफ्यूजन हो तो ए लिखो याद रहेगा ए वाला ये oh, sorry, yeah. ये नेक्स्ट वन ओ आई एम सॉरी क्या हुआ सो हियर इट इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन नहीं थे 76 ही थे आई एम सॉरी मुझे लगा सेवेंटी नाइन है तो यहां पर हमारा आज का ये जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का जो सेशन था क्योंकि अच्छे थे मुझे लगता किसको दो में लेना चाहिए पर ये बहुत अच्छे थे और आराम से करने लायक थे इसलिए मुझे लगा हो जाएगा तो मैंने एक ही बात कर लिया है बताइए 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 कैसा रहा आज का सेशन और बहुत सारे लोग ने अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक जरा कर दें है ना और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने अभी पूरा नहीं देखा तो पूरा देखेगा मजा बड़ा आएगा मैंने बड़े मतलब ऐसे स्पीड से करवाया ताकि क्या आप आराम से अच्छे से कर सके एट रॉन्ग हुए कुछ लोगों के ओवरऑल दिस इज समथिंग अमेजिंग इतना वन वर्ड नहीं चाहता है कम ठीक है चलिए सेवेंटी थ्री हुए आपके कहा हैंगर लिखा हुआ है अच्छा सो so, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक like तो बनता है और अगर लाइक like नहीं किया है तो लाइक like कर दो अच्छा फर्स्ट टाइम जिन्होंने एड किया अच्छा लगा होगा मिलेंगे बहुत अच्छे एक और सेशन के साथ मोस्ट लाइकली संडे को ठीक है क्या हो रहा है चलिए इसी के साथ आज के सेशन को खत्म करते हैं ये पूरा आपको पीडीएफ असाइनमेंट से मिल जाएगा टेलीग्राम पे अगर आप कह रहे पहला नहीं मिला तो पिछला भी मिल जाएगा है ना डोंट वरी सब मिल जाएगा बस आपको क्या रखना है ध्यान रखना है ठीक है Charlie, see you in the next class.